स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घात लगाकर अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। श्योपुर जिले की लूट की वारदातें थमती नजर नहीं आ रही हैं। श्योपुर कोटा रोड पर रात को फिर से लूट की घटना हुई, जिसमें कोटा के व्यापारी नटराज इलेक्ट्रिक का कलेक्शन एजेंट मुकेश श्योपुर से कलेक्शन करीब 2 लाख रुपए और 80,000 के चेक लेकर कोटा लौट रहा था। ये घटना करीब 9 बजे के आसपास श्योपुर जिले के प्रेमसर गांव के पास घटित हुई, जिसमें कलेक्शन एजेंट मुकेश पर अपराधियों द्वारा चाकुओं से हमला कर दिया गया और रुपए एवं चेक लेकर रफू चक्कर हो गया। कोटा नटराज इलेक्ट्रिक का कलेक्शन करके मुकेश श्योपुर से कोटा के लिए लौट रहा था, उसी समय घटना को अंजाम दिया गया। कुछ समय पहले इसी रोड पर 2 लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। श्योपुर पुलिस प्रशासन घटना को लेकर जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है। श्योपुर कोटा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से लेकर घटना स्थल पर सबूत जुटाने में लगा हुआ है। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि हम घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रहे हैं और संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। श्योपुर संवाददाता मनोज कश्यप की रिपोर्ट। जो इस तरह की घटना करने वाले लोग या उनसे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके दोस्त मित्र हैं और जिनकी संभावना है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ घटना पर कुछ चश्मदीदों की भी पहचान हुई है, उनसे बात करके पहचान ली गई है और भी कुछ हमें क्रूशियल सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर हम काम कर रहे हैं और आशा है कि जल्दी हम अपराधियों को पकड़ने में सफल।